मैं हूँ चरुनी और अपने असली गांव में, और यहाँ पर अभी पहले हमने छोटे वाली दादी जी का इंटरव्यू किया, अब बड़े वाली दादी जी से हम कुछ बातें उनके बारे में जानेंगे। और प्रश्न हमारे करीब करीब वही रहेंगे, और देखते हैं दादी जी के पुराने अनुभव में से कितने अनुभव हम सबके सामने रख पाते हैं, और यही अनुभव हैं जो बाद में जाके हमारे याद रखने के होंगे कि अगर हम यहाँ पर आज हैं तो उसके पीछे क्या क्या स्थितियाँ हमारी सबकी रही, और ताकि उस कहानी को, उन बातों को हमारे बच्चे और हम सब के सब याद रखें, और ताकि एक सही रास्ते पे हम चल सकें। तो नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटे जी, तेरो बेटे। अच्छा दादी जी, वही बात मैं दादी जी को भी कह रहा था, तो दादी जी भी हमारी छोटी दादी थे, आप बड़े दादी जी, तो नाम क्या दादी जी आपका? मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाशो देवी बना दिया। हाँ, वैसे लिखने में यही है, प्रकाश आता था। अच्छा जी, अजी परिवार के बारे में बताओ दादी जी, आप वहाँ गांव में? मैं बेटा मोड़ा फुरौली से हूँ, मेरा घर फुरौली है। हाँ जी, हम तीन बहने चार भाई। अच्छा, और दो भाई बड़े दो छोटे, दो बहने बड़ी, उनकी शादी हो गई थी। अच्छा, तो आप दादी वहाँ गांव में स्कूल था? वहीं गांव में स्कूल नहीं था बेटा। अच्छा, हमने घर में पढ़ाई सीख ली थी। ओहो। हाँ, घर में ही सीख लिया था पढ़ना थोड़ा बहुत। तो उसके बाद 1960 में हमारे गांव में स्कूल आया, और बड़े भाई साहब मेरे हेडमास्टर थे, वो इधर थे अजड़ाना मेहंदी। अच्छा, ये मेहंदी का दड़ाना नहीं, इधर वहाँ हेडमास्टर लगे हुए थे। उनको ये लगा कि खानपुर हमारे से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे दो स्कूल थे, एक लड़कियों का दूसरा लड़कों का। तो उन्होंने जाके शिकायत कर दी कि हमारे गांव में तो एक भी स्कूल नहीं है, और 1 किलोमीटर में दूसरा स्कूल है, वहाँ दो हैं। तो उनकी सुनी गई, वहाँ से लड़कियों का स्कूल उठवा के हमारे गांव में आ गया। वाह वाह। तो वहाँ हम थी, चार लड़कियाँ थी अपने क्लास में, एक टीचर हमें पढ़ाते थे, वो थे कैंट से टीचर, चार क्लासों को वही पढ़ाते थे, अकेले चार चार बच्चे थे। पहली दूसरी में भी ऐसे ही था, नया नया स्कूल खुला था, तो वो अपनी बैठक में खुलवा लिया था, जैसे अपनी बैठक होती है। उसके कुछ तो साल जी, आज उनसे मकान है, वहीं थी बैठक भी? वहीं थी। अच्छा। हाँ, जहाँ वो बैलखाना बना। हाँ, 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 उसमें ही था स्कूल खुला हुआ। उसके बाद फिर अच्छा, बैलखाना मतलब कहाँ, जो बाहर की तरफ है, जो अंदर जाके घेर के अंदर है जो? अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें वहीं बैठते थे बच्चे, सारे बच्चे वहीं इकट्ठे होके पढ़ाई करते थे। और फिर जो हमारी टीचर थी उसको मौड़ी से लेने जाते थे बच्चे। अच्छा। हाँ, वो अपने आप नहीं आती थी, अनमैरिड थी। दो लड़के सुबह लेने जाते थे, दो शाम को छोड़ने जाते थे। ऐसे ही क्रम 2 साल रहा। उसके बाद उनकी शादी होगी, स्कूल नया बन गया, और मेरे छोटे भाई साहब वो हेडमास्टर थे सढ़ौरा में। अच्छा। वो सिढ़ौरा में थे, BSN हाई स्कूल में लगे हुए। तो वो कहने लगे, भाई एज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी मेरी, 12-14 साल की उम्र थी। अच्छा। हाँ, 14 साल की उम्र में। तो फिर मैंने वहाँ शिफ्ट कर लिया, सिढ़ौरा ले गई मेरे को। वहाँ जाके मैंने 5वीं के बाद इकट्ठा 8वीं का एग्ज़ाम दिया। वाह। 5वीं के बाद इकट्ठा 8वीं का, तो मैं पास हो गई। उसके बाद फिर भाई साहब ने उधर अप्लाई कर दिया, आर्मी में चले गए। तो मैंने 10th का देना था, 9th 10th, लड़कियों के लिए कोई गैप नहीं था, वही साल का गैप होना चाहिए, 2 साल का गैप होना चाहिए, 8वीं के बाद सीधे 10वीं करो। ओहो। भाई साहब वहाँ चले गए। फिर मैं बड़े भाई साहब के पास गई बिलासपुर, वहाँ 10th का स्कूल, वहाँ मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए प्राइवेट। 6 बच्चे थे हम, 6 में से सिर्फ एक मैं ही पास हुई थी, बाकी सब फेल। तो 3-4 साल में बेटे मैट्रिक हो गई थी। ओ, बस हो गया। ये बात तो अगर हम सबको अगर इसका अंदाजा हो भी किस तरह से ऐसे पढ़ सकते हैं, तो हमें जो आजकल सहूलतें मिल रही है, साथ तो हम पता नहीं कितना कुछ कर जाएंगे। सढ़ौरा में जैन स्कूल था लड़कियों का, वहाँ लड़कियों के लिए बहुत बंदिश थी, बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी को लेके जाना है तो तब बाहर निकल रहे हैं गेट से। और पहनावे का ऐसा था, सिर पे दुपट्टा रखना है, चूड़ी नहीं डालनी, मेहंदी नहीं लगानी हाथ में, कोई फैशन नहीं था, सिंपल बिल्कुल, सूती चुन्नी उड़ते थे, वहाँ का ऐसा वो था।
तो वहाँ तो मेरी 8th हुई, उसके बाद फिर 10th मैंने बिलासपुर करी जाके, फिर गांव वापस आ गए। अच्छा अच्छा, भाई साहब आर्मी में चले गए। अच्छा, ये बड़े भाई साहब वहीं थे, उनके बच्चे छोटे थे। अच्छा, तो गांव में आने के बाद फिर बाबा जी ने रिश्ता कर दिया, बस फिर यहाँ शादी हो गई। अच्छा, सबसे बड़े भाई जिनकी दादी जी आपने बात कही, हाँ, बड़े मामा जी की, हाँ, तो वो बाद तक भी मतलब उनका परिवार गांव में ही अभी है, फिर शिफ्ट हो गए थे बाद में? नहीं, वो बिलासपुर से फिर वो जगाधरी गए। अच्छा। जगाधरी से फिर वो अम्बाला आ गए थे, ऐसी मतलब बदली होती रहती थी। ठीक है दादी। बस उसके बाद फिर छोटे भाई थे वो पढ़ रहे थे फाइनल में, बीए फाइनल में। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ होती होगी थी 71 में। उसके बाद फिर परिवार दुखी हो गया। मेरी शादी होगी थी, मेरे पास 2 लड़कियां थी उस टाइम, पिताजी थे, माता जी थे। ये क्या बात थी, मतलब परिवार में आपके एक तरह से सरस्वती का बड़ा वास था, सबके सब पढ़ने में इतने बढ़िया। ये जो बड़े भाई साहब हमारे थे वो MMA थे, उर्दू की MMA भी थी उनकी, और इंग्लिश, हिस्ट्री, और वो एक शायर भी थे ये बाल किशन के साथ। अच्छा, ये मास्टर जी के साथ? मास्टर जी के साथ, मास्टर जी बालकृष्ण। वैसे मास्टर जी उनसे 4 साल बड़े थे वो। वो मास्टर बालकृष्ण जी तो फिर अभी गुजरे, अभी 1 साल के करीब हुए उनको। तो जहाँ भी कवाल आते थे, जहाँ शेर शायरी होती थी वहाँ जाते थे, इकट्ठे जाते थे सारे, और बड़ी बुक्स लिखते थे वो शेर शायरी पे। पर थोड़ा गलती होगी, भी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस तरफ, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जैसे उनकी बुक्स रखी थी वो संभाल के रखी हुई होती ना, तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ वो दोबारा पब्लिश होती। कमाल हो। हाँ, ये बात है। तो आदि जी, मतलब परिवार में जैसे आपने बताया कि बड़े वाले अम्मा जी उनका ये रहा परिवार, मतलब पढ़ाई का परिवार में उससे पहले से रहा होगा? नहीं, पिताजी तो हमारे कम पढ़े लिखे थे। फिर ये पढ़ाई के प्रति इतना आकर्षण कैसे पैदा हो गया? ये उनके वो थे, होशियार थे पढ़ने में, उनके मन था पढ़ाई में, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। जैसे कोई आपस में गांव में होती रहती हैं बातें, क्या नहीं इनकी तरफ ध्यान ना दो। तो दादी मतलब इसमें फिर जो आपकी मदर रही होंगी नानी जी, हाँ, उनका भी हाथ रहा होगा? उनके भाई जॉब में थे। अच्छा, अच्छा। कलकत्ता थे उनके भाई, 2 भाई। अच्छा, कहाँ के? वो सुहाना के, ये कुमड़ा सुहाणा। अच्छा, किस तरफ है? ये यही तो है इसमें, चंडीगढ़ में। अच्छा, मोहाली। अच्छा, 1 किलोमीटर पड़ता है। अब तो सारे में सेक्टर बन गए वहाँ सुहाने में। तो मामा जी के लड़के भी पढ़े लिखे थे, 3 मामे पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे। तो कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन भी, वो ही फर्क है रहा होगा। हाँ, वही फर्क है। सबको बड़ा पढ़ाई का चाव था। मैं तो आगे के लिए भी सोचूं तो पढ़ा दो, बस फिर वो अपना बाबा जी ने रिश्ता कर। अजीब, आपकी दादी जी यहाँ पे ये हुआ रिश्ता, आपकी उम्र क्या रही होगी तब? मेरी उम्र 18-19 साल की उम्र थी। अच्छा। 19 साल की। ठीक है। हाँ। तो आप उसका पढ़ाई करके अपने गांव में यहाँ आ गए थे उस टाइम? यहाँ आ गए थे, फिर यहाँ आके बल्कि माता जी ने बोले बेटे मैं JBT कर लूँ, का नहीं बेटे करा दे JBT का, माँ रोटी कौन बनाएगा? हाँ, कौन बनाऊंगा खाना का? अच्छा। बस ये था। पढ़ाई का तो अब भी मेरे को बहुत शौक है। ये छोटी प्रभा हंसने लग जाते हैं, जो कहते रामवज की तरह एक एक पेज में आती। और बताओ, बहन भाइयों में बहुत प्रेम था, और जैसे इनको रखा इनके भाई ने, ऐसे ही मेरे को भी रखा मेरे भाइयों ने। हाँ, अपने बच्चों की तरह। वैसे ही कह देते हैं कि वो आजकल जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, तो शुरू से भावना थी, शुरू से ये भावना थी कि जॉब करेगी, और आगे ऐसा हो गया फिर एक इसमें। तो यहाँ फिर वही बात जो मैंने पहले दादी से पूछी, वही आपसे कि फिर यहाँ जो रिश्ता हुआ, हाँ, ये कैसे समीकरण बैठे? ये हमारे गांव के हैं यहाँ, उनसे ये जुड़े यही रहते हैं, जाट हैं उधर जिधर। अच्छा। सरपंच हैं जो। अच्छा अच्छा, वो हमारे गाँव में रहते हैं। यहाँ से हमारे गांव की जो लड़की थी ना, वो हमारी बुआ लगती थी जाटों में। हाँ हाँ। तो उन फूफा जी ने यहाँ रिश्ता कराया था उनके बेटे ने। अच्छा। कहे भैया हमारे गांव के पंडित बहुत अच्छे हैं, और वहाँ कर लो आप, तो उनके थ्रू यहाँ रिश्ता हुआ था। सास ससुर बहुत अच्छे थे, देवर बहुत अच्छा, चाचा बाबा तेरा,
बुआ छोटी थी परिवार में, वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह सास होती थी, साथ खाती थी। दादी जी आप यहाँ आए तो बुआ थी, कितनी बड़ी थी उस टाइम? बुआ 6 साल की थी। अच्छा, बहुत छोटी थी। हाँ, बहुत छोटी थी बेटे, 6 साल की बुआ थी। और ये सोमदत्त बाहर हॉस्टल में चला गया था। अच्छा, हॉस्टल में कहाँ, यूनिवर्सिटी में ही है? नहीं, यहाँ अम्बाला डीएवी। अच्छा। हाँ, वहीं से पढ़े सोमदत्त ने, पढ़ाई वहीं करी। तो ये हॉस्टल में था, रुकमण हमारे पास थी, माता जी पिताजी और तेरे बाबा जी बस। अच्छा, तो आपके कितने साल के बाद छोटे दादी जी आए थे? 10 साल बाद। अच्छा, 10 साल का गया। 10 साल बाद। तो आपके पास तब तक कौन कौन से बुआ जी हो गए थे? मेरे पास सारे बच्चे थे, पप्पी, संतोष, रमित को छोड़ के। हाँ, रमित को छोड़ के, बाकी सब सब थे बेटे। अच्छा अच्छा। तो आप जब आए तो उस टाइम तो अच्छा, अगर हम छोटे छोटे उससे तो बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बेटे, तो 77 ये तो बहुत पहले की होगी। हाँ, ये तो 77 तक की बात है जब ये छोटे दादी आए, तब की, तब तक की बता रही। मतलब आप कह रहे हो 66 के आसपास शादी होगी थी मेरी? हाँ जी, 67 में, 67 में, 68 में पप्पी होगी थी मेरा, उसके बाद 70 का जन्म सद्दो का, फिर 75 का इसका जाके शारदा का। अच्छा, तो ये हमारे वाले भी जो बड़ी दादी जी थे वो यहाँ आती भी थी, यहाँ भी नीचे भी रह लेती थी वो? ताई जी। हाँ हाँ, ताई जी ठीक थे, ताई जी रहते थे, आते थे, बेबस हो गए अपनी तरफ से। हाँ, अपनी तरफ से आते थे, ब्याह शादी में आते थे, सभी बोलते थे कि इंदिरा गांधी आ गई, इतने सुंदर थे मैं। ओहो। हाँ, ताई जी तो बहुत सुंदर थे, साड़ी पहन का। और उस टाइम क्या साधन थे बेटे, वो था साइकिल पे बैठ के आ जाना बाबा जी के साथ, ताऊ जी के साथ, ताऊ जी के साथ पीछे बैठ गए और आराम से आ जाते बैठे। और उस टाइम के हिसाब से दादी जी देखो भी बहुत पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं, पर उनका जो सोच थी, जो सलीका था, अपने आप में कमाल था। कमाल था बेटे, पहनने ओढ़ने का उनका सबसे आगे था। और अच्छा, जो बड़े बाबा जी थे, आपके ससुर थे, उनके बारे में कुछ बातें बताओ दादी। स्वभाव बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था बेटे, मैट्रिक पास थे। अच्छा। हाँ, मैट्रिक पास थे वो बाबा जी आपके, हमारे पिताजी। हाँ, हाँ। तो दोनों टाइम न्यूज सुना थे और अखबार भी पढ़ने थे, अपना बाहर का काम देखा, टाइम सर खाना पीना और सबका बड़ा प्यार करना थे बेटा, बहुत अच्छे थे। हमने तो कभी गुस्सा ही देखे माता जी पिताजी दोनों, ठीक है। हाँ। अच्छा, और तो उसके बाद फिर खेती यहाँ भी करते रहे, उसके बाद फिर वहाँ भी इसरगढ़ भी थी। हाँ, हाँ। इसरगढ़ भी थी बेटे, वहाँ भी रहा थे। जिस टाइम ताऊ जी की डेथ हुई, एक महीने बाद आए वहाँ से, कितना प्रेम था दोनों भाइयों में, पूरे महीना रहे वहाँ। बीमारी में पहले चले गए और जब उनका सब कुछ हो गया उसके बाद आए थे फिर वापस, वहीं रात को भी, वहीं दिन में भी। बहुत प्रेम था दोनों भाइयों का। अच्छा दादी जी, कि ये जो छोटे वाले बाबा जी हैं, उनको एक बार ये चोट मार दी थी, काफी खतरनाक चोट थी, नुकसान काफी रहा, आंख के ऊपर भी असर आ गया, हाथ के ऊपर भी, क्यों हो गया था ऐसा? ये पता नहीं, मेरे परिवार के अंदर कोई, हमारे परिवार में तो ऐसा भी नहीं था कि सब बोलने वाले, बस बाहर का ऐसा ही है, नहीं पता बीच में कौन आ गया, जो अपने कौन बंदा बीच में आया था। नुकसान बहुत होया तो बेटे, टाइम बहुत बुरा था, बड़ी मुश्किल से निकला था, पर सबने सहयोग दिया। अरे जी, किस सन की बात हुई, करीब करीब ये जब ये 78 की। अच्छा, 78। तो किस टाइम की बात थी दादी जी? ये थी बात इस टाइम से 4 बजे, 4 बजे। हाँ, 13 दिसंबर। तो क्या मतलब बाबा जी यहाँ से निकले थे, कहाँ खेत की तरफ निकले गए? कहाँ बाबा जी खेत में गए थे तो वहाँ बाहर फिर शुरू हो गया था ये काम। तो अकेले ही थे बाबा जी उस टाइम तक? पिताजी दूर थे दूसरे खेत में। तो ये स्कूल के पास में खेत है, इनकी तरफ की बात है? यहीं के मंडी वाले खेतों में, मंडी वाले खेतों, मंडी वाले खेतों में। ये शारदा भी छोटी सी थी, 5-6 साल की थी, साथ में गई भी, ये खेलने चली गई थी इनके साथ, देखा इसने सब कुछ है। तो इनकी बाद में विटनेस की गवाही भी? नहीं नहीं, छोटी थी, छोटी थी उम्र में, हो जाती है अगर 1-2 साल बड़ी होती है, बहुत छोटी थी इसलिए। पूरा हिलाने वाला ही था वो तो, पूरा हिलाने वाला था बेटे, बहुत खौफनाक,
टाइम था जो निकला था उस टाइम, ये है भी भगवान ने साथ दिया। भाई ये जो छोटे मामा जी हैं वो भी हमने सुना यहाँ रहे भी आपके पास सारा कुछ है? छोटा भाई रहे। अच्छा जी, मोहनलाल यहाँ। हाँ बहुत रहे मोहनलाल। उस टाइम तो सभी आमते टाइम टाइम सर, पर ये लगातार रहा। ये था एक उधर से हमारी बहन का लड़का राम मूर्ति, वो अच्छा। भी रहा। हाँ वो भी रहा, वो भी था हमारे पास तब आया। अजी जो बड़े वाले बाबा जी हैं वो हादसा कैसे हुआ उसके बारे में बताओ कुछ। वो हादसा ऐसे हुआ बेटे, वो मोटर खराब हो रही थी, पानी आ नहीं रहा था, तो वो शाहबाद ठीक कराने चले गए, पंखा ठीक करा के ले आए, वो उसमें फिट करने लगे तो पीछे ध्यान नहीं दिया, बाहर खिड़की थी उसमें से बाहर निकालनी थी पाइप, वो जैसे ही वो ठक ठक करने लगे वो पीछे गिर गए और गिरते ही पूरे हो गए थे, बाहर निकाले तो कुछ नहीं था, कहीं लेके नहीं गए, डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर ने देखा बस। तो उसके बाद तो खैर सारी जिम्मेदारी छोटे बाबा जी के पास आ गई, खेती उन्होंने करनी पड़ी, सब कुछ दो साल का अंदर का। 3 साल पिताजी रहे, पिताजी पूरे हो गए, उसके बाद 5-6 साल बाद माताजी पूरी हो गई, फिर अकेले नहीं संभाला सारा कुछ, लड़कियां पढ़ाई लिखाई पेपर दिलवाए सब कुछ। स्वभाव के बारे में बताओ कैसे, हम तो ये कहते हैं जब भी बड़ा ना खुश मिजाज एक बड़े हिम्मत वाले। हाँ बहुत सर्कट में कितनी बातें करते हैं, बहुत काम करने वाले थे बेटे, गुस्सा आता तो सिर्फ 10 मिनट के लिए, वैसे नहीं गुस्से वाले थे, और कभी ये नहीं कहा कि मैं थक गया काम करके या मेरे को दिक्कत हुई है ना, बड़े खुश हुए थे काम करके, आते ही घर के काम में लग जाना, जैसे बाहर गए हैं बाहर का करना, बस अपना टाइम सर सोना टाइम सर उठना, ये उनका वो था। ठीक है। अच्छा एक दादी जो बुआ जी हो रहे हैं हमारी जितनी भी, अच्छा सबके नाम बड़े बड़े अच्छे हैं, तो ये नाम किसने रखे हैं? नाम बेटे अपने आप ही रखे हुए, कुछ पिताजी ने रखे हुए। अच्छा। सुजाता स्वीता ये तो मैंने अपने आप ही रखे थे, और ये शारदा। सुजाता तो फिल्म आई थी उस टाइम, उसका भी वैसे इसको मुसलमानी नाम बताते हैं? नहीं 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 बोलते तो हैं, पर है सुजाता हिंदी नाम, हिंदी नाम है सुजाता, मतलब जो देखिए जन्म में इतना हिंदी का मेरे को नहीं, संस्कृत मेरे को आती नहीं, संस्कृत मेरे को आती नहीं। ठीक है दीजिए। हाँ भाई ये कैसे कैसे वो बनता है, नहीं तो इतना जरूर है भाई, ये नहीं पता था हिंदू मुसलमान कैसा नाम है, बस संत था रख लिया और पिताजी ने इसलिए रखा कि ये नवरात्रों में हुई थी शारदा। अच्छा। क्या ये तीसरी देवी पतन क्या बता रहे थे, क्या यही रखना है नाम, माता जी बोली ठीक है रख लो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो बुआ जी थी उनकी शादी किस साल की फिर आपने? रुकमण की। हाँ रुकमण की शादी हुई बेटे 84 में। अच्छा 2 दिसंबर 84 में, तो कितने दिन रह गए थे, पूरा दिसंबर ही था बस, नहीं तो उसके बाद 85 आ गया था। हाँ कितने दिन जिए तेरे बाबा जी? 6 महीने 7 महीने शादी के बाद, 2 दिसंबर 1984 की शादी थी बुआ की। ठीक है जी। अच्छा सब अरे बड़ा प्यार था बुआ का, हफ्ते में दोनों भाई जाते, इसी तो को ही चला गया दूसरे को चला, एक हफ्ता निकालना थे दोनों भाई मिलने चले। अच्छा फूफा जी थे वो शुरू से ही जॉब में थे या बाद में जॉब में आए? बाद में आए जॉब में, उस टाइम इन्होंने अपना क्लिनिक खोलिया हुआ था यहाँ लाडवा, तो कोशिश करी, टाइम लग गया जॉब मिलने में, तब तक वहीं रहे अपने क्लिनिक में, इतना ज्यादा नहीं चले था, जब मिल गई फिर उधर निकल गए। हाँ उसमें। हाँ तो फिर वो जॉब मिली 88 में, पिताजी की डेथ हुई तब मिली फूफा जी को जॉब, सबसे पहली पोस्टिंग इनकी वहाँ थी मसीता। अच्छा जी। हाँ ये डबवाड़ी के पास होगी मसीता, वहाँ थी। अच्छा फिर मेरे दूसरी पोस्टिंग में यहाँ आ गए थे? दूसरी में आए रानी के रायपुर। अच्छा वहाँ भी रहे? वहाँ कितने दिन रहे वहाँ जी? वहाँ रहे 1 साल ही। अच्छा उसके बाद फिर लाडवा गए। लाडवा तो सारी उम्र वहीं? सारी उम्र 20-22 साल वहाँ रहे, और बहुत बढ़िया जॉब, बहुत इज्जत की जॉब, बहुत शांत स्वभाव के साथ। अब देखो क्या करम क्या हो रहा,
परेशान हाँ 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 कितने परेशान, अच्छे भले थे, बहुत दुख में साथ दिया, जैसे बुआ को छोड़ने जाना है, लेके आना है, अपने आप ले जाते छोड़ जाते, कभी कोई ऐसी बात नहीं थी, जब भी जरूरत पड़ी तभी बोल दिया भी छोड़ दियो छोड़ जाते। अच्छा बुआ जी और नवी ठीक पढ़ाई गई यहाँ शाहबाद गई और गई, इनको भी एडमिशन मिलवाया था रुकमण को भी कॉलेज में। अच्छा हाँ दिलवाया था, 6 महीने गई रुकमण, फिर वो लड़ाई होगी उस दौरान छुड़वा दी, उनकी लड़कियाँ जान थी साथ, इसलिए गांव में दुश्मनी करके ठीक है, नहीं तो एडमिशन करा दिया था इसका आर्या कन्या में, यही पड़ी सारी। बुआ जी और की कुछ बात बताओ कि जब थी छोटी सबकी सब इनका क्या स्वभाव था, अपना खुद काम सब करती थी, सारा काम खुद करा थी और अच्छी पढ़ाई करा थी, आका नंबर भी बतावा थी अपने, जैसे ही थोड़े कम नंबर आ गए फिर इनके बाबू जी नाराज हुए, करा थे बिट्टे फलाने के इतने आए सारे इतने क्यों आए। और सविता का ये था कि इसको तो स्कॉलरशिप मिला 5वीं से सारी बीए तक, प्लस टू में इसके 72% नंबर थे, फिर इसको मेडिकल दिलवा दिया, फार्म इसका भर दिया, बीच में ही था अभी एडमिशन का काम, तभी इसके बाबू जी की डेथ हो गई थी, फिर वो आर्ट्स में बदल दिया था, अभी तो मेडिकल दिलवाया था इसको, ये डॉक्टर बन जाएगी, फिर डॉक्टरी में उसकी ज़रूरत पड़ती है ट्यूशनों की, अकेला बंदा क्या करता बेटे, फिर ट्यूशनों में पढ़ाते वहाँ छोड़ जाते ले जाते क्या क्या करते। तो यहाँ जो पढ़ाई की वो आर्या कन्या से ही की, यहाँ आर्या कन्या से बीए तक आर्या कन्या से, सुजाता ने बीएड की बीए के बाद कुरुक्षेत्र, और इसने बीए के बाद एमए में एडमिशन दिलवा दिया इसको, हॉस्टल में रही। अच्छा यूनिवर्सिटी में? हाँ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रही। अच्छा 2 साल, और जो बी एड करी वो डेली अप डाउन करे दोनों ने। अच्छा दोनों में बुआ जी और मैं कितनी कितनी क्लास आगे पीछे थी? ये थी 2 साल का फर्क था बस। अच्छा हाँ 2 क्लास का फर्क था, उसका ज़्यादा था शारदा का, वो 5 साल छोटी होगी थी, इसका 68। और शारदा बुआ जी में और नंदी बुआ जी में कितना फर्क है दोनों में? इनमें तो 7-8 साल, 10 साल का नहीं हो गया ना, 5 साल का। हाँ 5 साल का हो गया ठीक है। अच्छा और फिर उसके बाद फिर वो रिश्ते भी सबके देखने, बहुत मेहनत से बहुत लायक सब कुछ करया बेटे, बहुत अच्छी सब है सब कुछ, जॉब पर भी रही हैं, प्राइवेट जॉब भी करी, दूसरी मिल गई फिर दूसरी में चली गई, इसकी शादी होगी, 1 साल एमए का लगा लिया था सुजाता ने, फिर पढ़ते पढ़ते शादी होगी, बस ये अग्गा कुछ कर नहीं पाई, बाहर रहना हो गया, आर्मी में चले गए। हाँ हाँ अच्छा उसके बावजूद भी फिर हम तो देखते हैं बुआ जी का उनका जो कॉन्फिडेंस है उनका। हाँ जो आर्मी में जाके जॉब करी उसने 2-3 साल करी, सस्टेन एक तरह से उन्होंने आर्मी में जाके, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ क्या होती है वो अपने आप को साबित करके वहां दिखाया। हाँ वो साबित करा, अकेली रही भी गाँव से उठ के जाना और उन कंडीशन में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है बेटे, अकेला रहना, जहाँ कहीं पोस्टिंग आ गई वहीं जाना, उम्र छोटी थी 21वें साल में शादी हो गई थी, यूँ कह कर मेरे सबसे छोटी का कर दिया वो भी सहयोग की बात है। अच्छा वैसे ही हम देखते हैं उनका बुआ जी का जो बात कहनी सीधी कहनी, और जैसे हम नहीं तो हमारे यहाँ पे क्या है समाज में जो माहौल देखते हैं, बात को घुमा फिरा के कहना, मुंह से कुछ कहना पीछे से कुछ कहना, ऐसा उनकी नेचर का कहीं पार्ट है, बस वो बाहर रहने का फर्क पड़ गया, बाहर रहा ना वो है। कुछ और बताओ अनुभव दादी जी कैसा रहा परिवार के बारे में बताओ। बहुत अच्छा टाइम निकला बेटे सबके साथ, बहुत अच्छा, ये नहीं था अभी कोई लड़ाई झगड़ा ना, कहाँ उस सुबह उठे बच्चे स्कूल भेजे अपने काम में लग गए, आए तब भी लग गए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठा दिया, बच्चों ने भी सहयोग दिया काम में, जैसे दारे निकालनी है काम करना है कपड़े धुलवाने हैं सब काम में लड़कियां, और सब कुछ आता है उनको ससुराल जाने से पहले सब कुछ सीख गई थी वो, और बड़ी अच्छी तरह
परिवार में रही बेटे, आगे भी कोई ऐसी बात नहीं हुई भी किसी ने ये कहा ये काम नहीं आता ये नहीं आता, ना सब अच्छे से करे सब कुछ। फिर छोटे भाई पढ़ाए दोनों, रमित राजीव, हाँ सविता ने कराई प्लस टू तक पढ़ाई कराई, नहीं की कोई ट्यूशन नहीं कोई कुछ नहीं, अपने आप ही पढ़ा हुआ थी। ठीक है दीदी, बेटे बहुत अच्छा टाइम निकला। और दादी ऐसे आपकी तबीयत में क्या दिक्कत महसूस होती है आपको, जोड़ों की या दिक्कत ये? जोड़ों की बेटे, जब सुजाता की शादी करी उसके एक महीना बाद महसूस तो पहले भी हुआ एक दो बार। अच्छा परिवार में थी प्रॉब्लम ये? हमारे हमारे नाना जी को थी, हमारी माँ को नहीं थी, पिताजी को नहीं थी, दादाजी को नहीं थी, हमारे नाना जी या नानी जी को थी, उनके थोड़े ये घुटनों में बहुत दिक्कत रहा थी। वो कहाँ आके आया, वो मेरे पास आया। बड़ी बहन को भी था, बड़ी बहन को भी था, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, उनके तो हाथ पांव मुड़ गए थे, और मेरे डॉक्टर दीपक भतीजे अपने इनकी वजह से ठीक, कि उस टाइम इतना इलाज नहीं था बेटे जितना इलाज अब आ रहा, अब नई तकनीक आ गई नए इलाज आ गए। तो आपकी दादी ये प्रॉब्लम सीवियर कब हुई, मतलब तो बहुत ज़्यादा कब बढ़ गई? बहुत ज़्यादा तो बेटे ये हो तो गई थी वैसे मेरे को ये 89 में, 10 साल तो ठीक निकले, और ये हुई 2003 के बाद, 3 में ही लगा ले शारदा की शादी, और तब से बढ़ने लगती है। खैर मौसम के साथ भी बढ़ती भी मौसम है, मौसम के साथ भी हो जाए वैसे कई बार वैसे भी हो जाए। अच्छा। ये बात है, मौसम के साथ तो बढ़ने ही बढ़ना बेटे। ठीक है। और अभी जी कुछ आप सबको बच्चों को हमें कहना चाहते हो तो जरूर कहो। भाई बेटे मैं तो ये कहूँ सब पढ़ो पढ़ो लिखो और जाके जॉब करो बाहर। बस भाई गांव में ना रहो, बाहर जाके जॉब करो। क्या बात। हाँ चलो खैर हम भी अदी जी ईश्वर करे आपकी बात सफल हो, और बाहर रहो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बाहर का माहौल देखो, गांव में तो बच्चे यही सीखा मिट्टे जैसी गांव की भाषा है और जैसे गांव का वातावरण है। एक लिमिटेड छोटी सी दुनिया है। उम्मीद इनसे भी थी राजीव रमेश से कि बाहर रहेंगे और बाहर का और है कुछ फर्क है बाहर रहने का, तो फिर इनके इनके वो ऐसा हो गया कि ये जिम्मेदारी इतनी हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि बात है जिम्मेदारियों की बात है, जिम्मेदारियों देखो भाई सोमदत्त भी बाहर जा सका था, हाँ तो फिर वो परिवार में हादसा हो गया उस वजह से वो बाहर नहीं जा सके। उसमें दादी जिसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये भी है, और बहुत अच्छे से करा बेटे, लड़की पढ़ाई लिखाई ब्याह शादियां करी सब रिश्तेदारों के साथ, बड़ा अच्छा टाइम निकला बेटे, हर जगह जाना जहाँ भी जाना है सब ने जाना है, सब परिवार में नाने मामे मासी में सब में बड़ी अच्छी तरह, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई बेटे, बड़ी अच्छी तरह टाइम निकले। भगवान करे हम तो ये कहें भगवान किसी को दिक्कत ना दे, और सबका बहुत अच्छी तरह निकला टाइम जी। हाँ और वैसे दादी जी अभी तक तो असल में हमें भी ये लगता है कि शहर में होते इस तरह की, शहर में कुछ अपनी तरह की समस्याएं हैं, गांव में कुछ अपनी तरह की दिक्कतें हैं, तो इन दोनों के बीच में जो आदमी अपने आप को साध ले उसका जीवन सफल है, उसका जीवन सफल, नहीं तो जो मतलब आज गाँव में जो प्रतिष्ठा है अपना जो परिवार है जो रिश्तेदार जितने जुड़े हुए हैं इतना शायद शहर में जाके संभव ना होता। सही बात है। और वैसे बेटे कोई फर्क नहीं लगा गांव शहर में, क्यों घर का बहुत अच्छा वो था रहन सहन, जिस परिवार में हम आए हाँ बहुत अच्छा रहन सहन मिला, और सब ये कहा थे कि कितना अच्छा परिवार है, सास ससुर पढ़े लिखे आवा थे हमारे भाई देख कर बड़े खुश हुआ थे, बहुत खुश हुआ थे, नहीं तो यूं कह दे भाई क्या लेना पाऊंगा कि भाई बताए ना, बड़ा आदर मान दें थे। अरे जी वहाँ भी पीछे परिवार ने तो खैर बहुत तरक्की की उन्होंने, फिर बाद में सेटल पढ़ाई पढ़ाई लिखाई का बहुत फर्क है बेटे। अरे अब देख रहे हो डॉक्टर साहब हैं दादी जी, तो ये बाहर कहाँ रहे, इन्होंने पढ़ाई इनकी कहाँ रही? ये रहे अपने पापा के साथ कर्नल भाई साहब, बाहर ही रहा थे भी, तो प्लस टू के बाद ये आ गए थे फिर मेडिकल में। अच्छा अच्छा मेडिकल में आए तो कुछ दिन थोड़ी दिक्कत आई,
फिर यहाँ एडमिशन ले लिया एसडी कॉलेज में जी। यहाँ में बीएससी करने लग गए। अच्छा। फिर इसके बाद इनका नंबर पड़ गया डॉक्टरी में, रोहतक चले गए। फिर रोहतक जाके अपना पढ़ाई पूरी होगी, फिर शादी होगी, बहन इनकी इंजीनियर है जो बाहर रह रही है जी। बड़े भाई के बच्चे वो भी सब लायक हैं जी, जी। बड़ा लड़का एक्साइज एंड टैक्सेशन में है, छोटा एयरफोर्स में, उससे छोटा पुलिस में। अच्छा। हाँ, वो SHO है। तो कहाँ रहते हैं अभी? छोटे चंडीगढ़ रहते हैं, सबसे छोटे जो। अच्छा। उसमें है पुलिस में, और बीच वाला जो एयरफोर्स वाला है उसने दोबारा जॉब कर ली, वो अम्बाला सिटी में, और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला है वो भी अम्बाला सिटी में। ठीक है। चलो, उनकी बेटी औरंगाबाद जिज्ञासा, उससे बड़ी लड़की को समूह लेक्चरर रही, अब रिटायर हुई है। दामाद उनके डॉक्टर हैं बड़े, अच्छा छोटे ही अपने बिजनेस में है। ठीक है जी। तो चलो भाई, जितने भी हमारे परिवार के जो भी हम सदस्य हैं, बेटे बहुत अच्छा परिवार मिला ससुराल में, जितना अपना दराणी जिठानियां सिरगढ़ वाले हैं, नीचे वाले हैं, सब बहुत अच्छे हैं बेटे, सबके साथ बहुत मारा प्रेम, और सब देख कर बड़े खुश। हाँ, कभी चले जाओ यूँ लगेगा भी अपना परिवार है। ऐसे बाटी देख रहे हैं दूसरे। हाँ, बाटी देख रहे हैं बेटे। तो हमारा भी सबका कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि दादी जी के जो मन में जो संकल्पनाएं हैं कि जीवन ऐसा हो, आदमी ऐसे जिए, अपने आप की जो संभावनाएं हैं उनको ऐसे करे, तो हम भी क्यों ना वो करें, हम चाहे गाँव में रहे शहर। और मैं तो बेटे ये भी कहती हूँ कि उम्र बड़ी हो जाए पर ये ना कहो अपने आपको कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ और सीखना बंद ना करे। हाँ, सीख पढ़ना ना छोड़े, सीखना ना छोड़े, जो आगे जिज्ञासा है उसमें करता चला जाए जो करना है। क्यों ना, मतलब ज्ञान कभी रुके ना। हाँ। अपने आप को मजबूत रखें, मजबूत। और इस परिवार की एक तरह से जो पहचान बननी चाहिए दादी जी के मुताबिक वो है कि अपने बलबूते कुछ करके दिखाए, पढ़ो मेहनत करो और देखें दुनिया में किस तरह की पर्सनालिटीज है, किस तरह से दुनिया काम कर रही है, और उसके हिसाब से हम भी क्यों ना हो। तो हम कोशिश करो, सब कोशिश करो, वैसा आशीर्वाद हम सबके ऊपर फलित हो ना। हम तो यही कहा बेटे, भी पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और सबको ऐश कराओ। चलो ठीक है। अच्छा बेटे, अच्छा बेटे। तो आप जो आज के हमारे असिस्टेंट हैं इसके गुल्लू है, अब वो इसको विराम दे दें।